नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 8 द्वितीय सत्र का काव्य नंबर 6, तूफानों की ओर। तूफानों की ओर यानी तूफानों की तरफ, और कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हमारी जो नाव है वो तूफानों की ओर मोड़ दो, यानी तूफान की ओर नाव मोड़ने का अर्थ है कि तूफानों की तरफ हमारी नाव कर दो, क्योंकि हमें है वो तूफानों से लड़ना है और तूफानों से जीतना है। तो इस कविता में कवि है वो तूफानों को है वो हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं की तरह देखते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है, यानी बाधा रूपी तूफान आते हैं, उसको हमें डटकर सामना करना है, उन बाधाओं से हारकर बैठ नहीं जाना है। हमारा जीवन संघर्षमय है, तो इस संघर्षमय जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कवि हमें देते हैं। हमारा जो भी लक्ष्य हो, उसमें जो भी बाधाएं आए, उसे बाधाओं को हमें दूर करके हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हमारे जो बाधा है उसको संघर्ष करके उस बाधाओं को दूर करना है। तो कवि है वो बाधाओं को तूफानों का नाम देते हैं, इसलिए हमारी नाव यानी हमारा जीवन है वो बाधाओं से मुक्त करना है। तो हमें है वो बाधा को का सामना करके उससे लड़कर संघर्षपूर्ण होकर उसे हराना है। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर है वो कवि कहते हैं कि नाविक को कहते हैं कि तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। पतवार यानी जो जिससे नाव हम चलाते हैं, तो नाव पतवार से चलती है, तो वो नाविक को कहते हैं कि भाई जहां तूफान है उस तरफ मेरी नाव कर दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। यानी कहते हैं कि आज सिंधु ने यानी समुद्र ने, आज समुद्र ने जहर उगला है, लेकिन कठिन परिस्थितियां पैदा की है। यानी आज सिंधु ने विष उगला है, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आज कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। विष यानी विष को कठिन परिस्थिति का रूप दिया गया है। लहरों का यौवन मचला है, इसका अर्थ है कि लहरें की भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। इस तरह आज हमारे हृदय में और समुद्र में एक साथ ज्वार उठा है। तो कवि कहते हैं कि इस हृदय की भावनाओं को जिसमें ज्वार उमड़ पड़ा है, उसको तुम्हें वो शांत करना होगा अपने प्रयत्न से। जिस तरह सिंधु रूपी जीवन में विष रूपी जो भी बाधाएं आती है, उसे हमें शांत करना है और हमेशा आगे बढ़ना है। तूफानों की ओर मोड़ दो नाविक निज पतवार। तो तूफानी की ओर मोड़ने को कहते हैं नाविक को अपनी पतवार, जिससे हम है वो तूफानों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधंड में साहस तोलो। तो इसके द्वारा कवि कहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और अपने साहस से अपना लक्ष्य प्राप्त करो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर मोड़ दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे तूफानों का प्यार मिलता है, यानी जो भाग्यशाली है उसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अपना जो तूफान है उसका सामना करो और
आंधियों के सामने होकर स्वयं को आज है वो भाग्यशाली मानो, जिसके लिए तुम्हें यह मौका मिला है कि तुम संघर्षमय जीवन को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। संघर्ष को हरा, संघर्ष करके जो बाधाएं हैं उसको हरा कर अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें कहना चाहते हैं कि तुम तूफानों का सामना करके अपनी पतवार है वो तूफानों की ओर को मोड़ दो, क्योंकि मुझे है वो तूफानों का यानी बाधाओं का सामना करना है। आज समुद्र में जो जहर उगल दिया है यानी कठिन परिस्थितियां पैदा हुई है और लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती, यानी सभी बाधाएं है वो तुम्हारी ओर आ रही है, फिर भी तुम्हें है वो इन बाधाओं से हारना नहीं है। अपने हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ने दो। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुमसे तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है, तो तुम इन तूफानों का प्यार ले लो। हमारा जीवन है वो संघर्षों से भरा है, तो हमें है वो संघर्षों से लड़कर उसे हराना है, संघर्ष करके सारी बाधाओं को हराना है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम यहाँ तक का काव्य सीखेंगे, अगले वीडियो में हम है वो काव्य पूर्ण करेंगे।